आज की इस वीडियो में आपको टॉप 3 एंड्रॉयड एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस का वॉल्यूम स्टाइल चेंज कर पाओगे और उसे एकदम अमेजिंग लुक दे पाओगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से लास्ट तक एंड तक बिना स्किप कर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक, आप देख रहे हो अशोक टेक ऑफिशियल। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। तो गाइस आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रख रहे हैं 500 लाइक, तो गाइस जल्दी से कंप्लीट करवा देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन की, तो गाइस इसका नाम है क्रोमा लाइव वॉलपेपर। तो ये एप्लीकेशन आपके बहुत काम आने वाली है, इसमें आपको बहुत ही HD क्लियरिटी के वॉलपेपर एकदम देखने को मिलते हैं फ्री। और गाइस आप जब भी अपनी स्क्रीन पर ऑलवेज ऑन होगे तो ये आपकी स्क्रीन पर चेंज हो जाएगा वॉलपेपर। तो चलते हैं हम अपनी सीधा क्रोमा की लाइव वॉलपेपर में। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सेटस कर देना है, आप चाहें तो दोनों तरफ लगा सकते हैं। और जब भी आप अपने फ़ोन पर आएंगे तो आपको नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। तो गैस अभी आप देख सकते हैं, अब मैं अपनी फ़ोन की सेटिंग खोलता हूँ और हम काट देते हैं। तो गैस आप देखेंगे वॉलपेपर चेंज हो गया और गैस सारे आपको इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर देखने को मिलने वाले हैं। और ये एप्लीकेशन सिर्फ 6 MB की है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्किंग कर रही है और आपकी लॉक स्क्रीन भी चेंज होती रहेगी। जब भी आप अपने फ़ोन से नया वॉलपेपर खोलेंगे, मतलब स्क्रीन ऑफ ऑन करेंगे, तभी आपको एक नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। तो है ना गाइस, कमाल की ऐप। सब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की, तो इसका नाम इन्होंने बोला है कॉम्पैक्ट हाईटेक लॉन्चर। तो गाइस इससे आपके फ़ोन की पूरी डिस्प्ले एकदम चेंज हो जाती है और आपको बहुत अच्छा लुक देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री थीम भी देखने को मिलती है, सिर्फ कैसी है 10 से कम MB का है। तो आपने देख ही लिया होगा कितनी MB का है। तो चलिए मैं आपको उसके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं अपने कॉम्पैक्ट लॉन्चर पर, क्लिक करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं अब हमारी डिस्प्ले का जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है। आपको सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और ये आपके फ़ोन में कॉम्पैक्ट लॉन्चर लग गया। तो गाइस ये ऑल टाइम के लिए नहीं रहता है, सिर्फ नॉर्मल टाइम के लिए है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ आपके फ़ोन में, बैटरी मेमोरी वगैरह सब कुछ बता रहा है, रैम भी। और आप यहाँ से मतलब कुछ भी खोल सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर आ गए हम डायरेक्ट, है ना गाइस, कमाल का। तो गाइस ये ऑल वर्किंग और यहाँ पर आपको सारी ऐप देखने को मिल जाती हैं। आपके फ़ोन में जो भी ऐप होंगी आप ऐसे सेट करके ला सकते हैं। और गाइस आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया वो वाला थीम लगाने के लिए, तो आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है सिंपल से और थीम पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर इन सब थीमों पर लॉक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ माय थीम पर क्लिक कर देंगे, जो अनलॉक थीम है वो आ जाएगी। आपको सिंपल से ये थीम 56 मिल देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको फ़ोन के थंबनेल पर दिखाया, मतलब इस वीडियो के थंबनेल पर। तो आपको इस पर सिंपल से क्लिक कर देना और अप्लाई कर देना। अप्लाई करते हैं आप देख पाएंगे जो थीम अप्लाई होने वाली है वो यही है और एकदम फ्री होने वाली है। बस आपको हल्की सी ये ऐड देखने को मिलेंगी, सिर्फ आपको इस लॉन्चर पर क्लिक कर देना। आप जो चाहें यहाँ से खोल सकते हैं, जैसे एरोप्लेन मोड, ब्लूटूथ, सीधा आपको यहाँ से क्लिक करना है और आप ब्लूटूथ भी ऑन कर पाओगे, सीधा आप अपनी उस सेटिंग पर पहुँच जाओगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कितना अभी हमारे फ़ोन में स्टोरेज है, कितना फ्री है, टोटल कितना है, सब कुछ आपको यहीं देखने को मिलता है अपनी स्क्रीन पर ही। तो आप यहाँ से बहुत सारे काम कर सकते हैं और इसमें भी आपको यहाँ पर ऐप देखने को मिलेंगी साइड में। बात करते हैं अब लास्ट एप्लीकेशन की, इसका नाम होने वाला है कस्टम वॉल्यूम पैनल। तो आपको इसके अंदर बहुत सारे वॉल्यूम स्टाइल देखने को मिलेंगे जो आप अभी देखेंगे इस वीडियो में। बस 2 MB की एप्लीकेशन है और गैस आप इसके अंदर देखेंगे ना तो आप चाहें तो कितने सारे अपने फ़ोन के वॉल्यूम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, आपको गो इट पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट एसेबिलिटी पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जाकर एक परमिशन देनी है अपने वॉल्यूम पैनल को, बस आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। फिर आप देख रहे हैं ना ये जो स्क्रीन दिखा है आपके फ़ोन में अभी यही वाला लग रखा है। तो है ना गाइस, कमाल का, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप देख रहे हो एक संग 3-3 वॉल्यूम चल रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसमें आपको बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये ताज सबन है, ये प्रीमियम होते हैं और बाकी सारे फ्री हैं। आप देख सकते हो इसमें आपको दो दो देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इनकी थीम भी वगैरह सब चीज़ चेंज करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं। है गाइस, आप चाहें तो डेली एक अपना एक नया वॉलपेपर वो वॉल्यूम स्टाइल चेंज करें। तो मैंने जो अभी अपने थंबनेल में आपको दिखाया वो ये वाला था, तो आप ये भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो कैसे है ना, और कैसे ऑल वर्किंग है, बस आपको वॉल्यूम का बटन दबाना है और ये वॉल्यूम अप डाउन होते रहेंगे। तो कैसे है ना, कमाल। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक टारगेट जल्दी से कंप्लीट करवा देना गाइस। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।